लेटेस्ट आपको पता होगा कि 4-5 दिन पहले जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे पास आया, तो जो ही मैंने वो रिसीव किया और आफ्टर दैट मैंने ये डिसाइड लिया कि जाते जाते हम जो भी यहाँ पर आ गए, जिनका नंबरा था यहाँ पे, जिनका हमने लिस्ट लास्ट टाइम निकाला भी है, तो क्यों ना हम इनको अपने साथ साथ उनको भी कुछ देकर रहेंगे, ठीक है ना। तो उसमें साफ हो गए यहाँ पे, ठीक है, ईमानदारी से काम करना है। ये नहीं जरूरी यहाँ पे हो आप, कल आप श्रीनगर में हो या किसी और जगह हो या किसी और कंपनी में हो, ठीक है ना। लेकिन तब हमने आप लोगों को प्रमोट किया जब मुझे लगा कि आप लोग इसके काबिल है। और ये बात मेरी गौर से सुनो आप लोग, चाहे कोई भी हो यहाँ पे, चाहे आपका अफसरान हो या आप हो, फर्क साहब अननेसेसरी किसी को प्रमोट नहीं करते, ये आप लोगों को पता होगा। मुझे खाली काम होने चाहिए, डिसिप्लिन होने चाहिए, 1 घंटा काम दे दो मुझे, लेकिन मुझे डिसिप्लिन चाहिए यहाँ पे, ठीक है, यहीं पर नहीं कहीं और पे भी। अगर कल की डेट में आपका ट्रांसफर प्लेस टू अनदर प्लेस होगा, जो भी वहाँ पे आपका कंसर्न इंचार्ज होगा, जो भी आपका हायर अथॉरिटीज होगा, कोई भी ऑफिशियल होगा वहाँ पे, ठीक है, कल की डेट में आपको वहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाना है वहाँ पे, समझाए मेरी बात। फारे साहब वर्क देखते हैं, ग्राउंड देखते हैं, ठीक है, एजुकेशन भी साथ साथ है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर होता है, खासकर सिक्योरिटी लाइन, इसमें ग्राउंड पहले हम कवर करते हैं, ठीक है, और साथ साथ अगर बंदे के पास क्वालिफिकेशन होता है, ग्राउंड नहीं होता है, तो मेरे हिसाब से किसी काम का है नहीं। हो मिसाल आपके सामने यहाँ पे जो हमारा सिक्योरिटी अफसर है मधुर साहब है यहाँ पे, या जूर साहब है, या दूसरे हमारा यहाँ पे जो कॉर्डिनेटर था इससे पहले सिक्योरिटी का, उसके साथ साथ सबीर अहमद या क्या नाम है इसका, हुसैन रशीद, ये सारे जो भी अफसरान हैं आपके सामने मिसाल, जब इन लोग ने मेहनत किया यहाँ पे, इनके पास क्वालिफिकेशन भी है अच्छा खासा है, और तब जाके हम इनको प्रमोट किया। साथ साथ अगर फॉर एग्जांपल आपका सैलरी 10,000 होगा, 11,000 होगा, 12,000 होगा, ठीक है, तो आपका सैलरी भी इसमें इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो ये आप लोगों का खुशकिस्मती है। साथ साथ जो भी आपका सीनियर्स है यहाँ पे, जो भी इनसे आपको चाहे, ये आपको भरपूर सपोर्ट करेंगे यहाँ पे। प्रमोशन का मतलब इतना ही नहीं है, आपने प्रमोशन लिया, पैसा लिया, आपका सैलरी बढ़ गया, आपने वो काम लिया, ठीक है, काम है हमें फिर और आपसे काम लेना है, ठीक है, और आपकी कंधे पे फिर और जिम्मेदारी बढ़ा यहाँ पे, ठीक है। ये जो स्टार है हमारे पास यहाँ पे, अगर हम इसकी वजन देखेंगे, जा सकते 4 या 10 ग्राम होगा इसका, लेकिन अगर हम बात करेंगे एज पर लॉ, ठीक है, एज पर पसारा 2025, तो उस हिसाब से बहुत कुछ वैल्यू है, ठीक है ना, बहुत कुछ वजन है इसका, ठीक है ना। ये नहीं सोचें कि आप हमारा स्टार लग गए, अब आपकी कंधे के ऊपर आप एक जिम्मेदारी हो, ठीक है ना, आपके अंडर 5 लोग 6 लोग होगा, समझ आए मेरी बात। आप खुद को भी मेंटेन करना, उनको भी काम लेना, ठीक है, उनको भी हैंडल करना, ये आपको खास खास ख्याल रखना है यहाँ पे। मैंने जिसको भी हायर किया है यहाँ पे, मेरा फर्ज बनता है, मेरा ड्यूटी है यहाँ पे, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे, मैं नहीं होगा, कोई और इंचार्ज होगा, उसका भी यही काम होगा, ठीक है ना। लेकिन मैं ये कोशिश करूँ, जब से मैंने सदार संभाला इस कंपनी में, तो मेरा यही में एक अहम रहा, ठीक है, अगर कोई भी लड़का हमारे साथ जुड़ना चाहता है, काम करना चाहता है, वो आए, आप आए भाई, हमारे साथ जुड़ो, आप ज्वाइन करो, आप काम करो, आप लेकिन थोड़ा सा पेशेंस भी रखो। जब आप लोग कुछ समय निकालोगे, आप टाइम दे दोगे, आप टाइम निकालोगे, आप तब जाके आप, ठीक है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मैं ये आप नहीं कहूँगा आपको कि आप पढ़ाई छोड़ो, लेकिन मेरा यह भी आदेश होगा कि जो पढ़ाई कर रहा है लड़का, वो कंटिन्यू रखो अपनी पढ़ाई, अपना स्टडी कंटिन्यू रखो आप, ताकि कल जाके आप इससे ज्यादा, इससे बड़ा ओहदा आपको मिलेंगे। समझ आई मेरी बात। आज की डेट में पढ़ाई के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करेंगे, सिक्योरिटी लाइन की बात करेंगे, तो आज की डेट में कम से कम एक सिक्योरिटी गार्ड मैट्रिक पास लामाज होना चाहिए। समझ आई मेरी बात। या आप लोगों को भी पता होगा, रिसेंटली हमने कुछ यहाँ पे रिक्वायरमेंट निकाला है, तो हमें पहले से उसका क्रेडिट लगा कि मिनिमम हमें कैंडिडेट चाहिए मैट्रिक पास विद गुड करेक्टर। समझ आई मेरी बात। तो आज का जो हमारा ये मकसद था, मिशन था, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, और पिछले 4-5-6 महीने से मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो फाइनली आज मैंने इनका लिस्ट निकाला है, ठीक है, जिनको हमने ये ओहद दिया, ठीक है, अब आप लोगों का जिम्मेदारी बनना, ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों का, ठीक है, तो हमारे स्टेट का भी ख्याल रखना है, कंपनी का भी ख्याल रखना है। देखा आपको इस टाइम हम यहाँ पे रिप्रेजेंट अपनी कंपनी को कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं होगा, कहीं और होगा, लेकिन आपको वहाँ पर भी अपना परफॉर्मेंस दिखाना है। कल की डेट में ऐसी कोई ऑफिशियल से मुझे कॉल नहीं आना चाहिए, या किसी भी इदार से जहाँ भी आपका पोस्टिंग होगा, ये जो पोस्टिंग ट्रांसफर वगैरह होते हैं, एक पार्ट होता है एक जॉब का। समझाए मेरी बात।
तो आप लोगों को मना नहीं करना, ईमानदारी से काम करना है। अगर आपको कोई जूनियर आपको मिलता है, ठीक है, या जो भी आपके साथ होगा, अंडर टेन जो भी आपके साथ काम कर रहा है, यहाँ पे उनको सिखाओ। अगर आपको कोई सीनियर मिलता है तो उसमें सीखो आप। समझ आई मेरी बात? या सब लोगों के लिए यही आदेश है, लेकिन जो भी मेरा असरान यहाँ पे, मैं उनको भी यही कह रहा हूँ कि खास कर ये जो गार्ड है इस पर आप रहम कीजिए। आप ये जो गार्ड लोग हैं इनके, मुझे पता है आप लोग पे ड्यूटी है। देखिए जब आप लोग यहाँ पे हैं तब जाके मैं एक ऑफिसर हूँ यहाँ पे, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, ये मेरी बात याद रखना है। जब आप लोग हैं तब जाके हम ऑफिसर है, अगर आप लोग नहीं होगा तो मैं किस चीज़ का हूँ। लेकिन ये भी याद रखना है जब मैं हूँ यहाँ पे तब आप लोग यहाँ पे, ठीक है। एक हाथ से ताली नहीं बजता है, समझ आए मेरी बात? दोनों हाथ से रोटी बनता है, एक हाथ से रोटी हम नहीं बना सकते आप, और इस चीज का हमें खास खास ख्याल रखना है। और साथ साथ इंशाल्लाह जो भी बाकी लोग इस वक्त देख रहा है जिनका नाम इस लिस्ट में है नहीं, क्योंकि अभी उनका पूरा एक साल कंप्लीट नहीं हुआ, समझ आए मेरी बात? तो इंशाल्लाह खाली बस सेहत होना चाहिए, जिंदगी होनी चाहिए, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा कोशिश यही रहेंगे, चाहे मैं कहीं भी मेरा ट्रांसफर होगा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, लेकिन मेरा खाली यही एम, यही मिशन जो मैंने उठाया, जो भी मेरे साथ काम करेगा किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, किसी भी मजहब का हो, कहीं का भी हो, लेकिन मेरे लिए उतना ही वैल्यू रखता है जितना मेरे लिए एक मेरा बच्चा है। मैं अपने बच्चे की मतलब जैसे आप लोग के मतलब आप लोग को ट्रेड कर रहा हूँ, आपका जो भी सुख दुख जो भी है वो सारा कुछ मैं ही देखता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर आपका माँ बाप नहीं आते, यहाँ पर आपका बड़ा भाई नहीं है, आपका बड़ा भाई हो, आपका बाप, आपका माँ, आपका जो भी हो, मैं यहीं पे हूँ। कभी कभार कुछ भी आपको अल्लाह बचाए किसी का मतलब कि कुछ भी परेशानी होगा, चाहे फाइनेंस के हिसाब से चाहे और किसी चीज़ से, मैं यहीं पर हूँ, मैं सॉर्ट आउट करूँगा, मैं हेल्प करूँगा, जितना मेरे हाथ में होगा तो उतना मैं कोशिश करूँगा। लेकिन आप लोगों से खाली यही एक गुजारिश है, ईमानदारी से काम करो। यहाँ पे आपका रोजी रोटी है, एक का रोजी रोटी नहीं है, यहाँ पे हजारों में रोजी रोटी है। देखिए इंसान उसको हम नहीं कह सकते जो खुद का सोचेंगे, इंसान वो है जो पहले दूसरों का सोचेंगे, उसको अल्लाह ताला उसका खुद का अल्लाह ताला उसका खुद सोचता है, फिर ठीक है ना। तो अल्लाह ताला जब देखते हैं नहीं इस बंदे का नेत ठीक है, तब जाके उसको अल्लाह ताला आगे किसी भी जगह कोई भी रिकॉर्ड उसको नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। तो खास कर हमें ये ख्याल रखना है जहाँ भी काम करेंगे ईमानदारी से काम करेंगे, और जहाँ भी आपका भी यहाँ पर आपका पोस्टिंग है कल कहीं और, एम्प्लॉय का खास खास ख्याल रखना। कोई भी गेस्ट आते हैं हमारे पास अगर कोई बाहर से कर्मचारी आएंगे सफाई वाला, हमारे लिए एक गेस्ट है। ये नहीं सोचते कि आप हमारे बाहर से दिल्ली से या मुंबई से या लंदन से कोई भी गेस्ट आएंगे उसको हम गेस्ट मानेंगे, लेकिन हमारे पास जो भी आएंगे एज ए गेस्ट आएंगे, हमें गेस्ट की तरह उनको ट्रेड करना है, अच्छे से विश करना है। लेकिन जहाँ जिस भी इदारे में आपका पोस्टिंग होगा उस इदारे में जितना भी एम्प्लॉयज और उनका प्रोटेक्शन आप लोगों का, अगर किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी दुश्मनी घर में होगा या कोई भी हो, अगर कोई भी उसको वहाँ पे ढूंढने के लिए आएंगे या किसी भी हिसाब से, तो उस चीज़ को आपको अननेसेसरी को अंदर नहीं छोड़ना है। अगर जाके वो कुछ भी मर्डर कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो एम्प्लॉय तब सेफ है जब उसको पता है मुझे बाहर गेट पर सिक्योरिटी है, ठीक है ना। आप लोग सैलरी लेते हैं, आप लोग सैलरी पर काम करो, आप किसी भी अननोन पर्सन से कोई भी टच मत रखो, आप किसी भी एम्प्लॉय से कोई भी आपको मतलब रिलेशन मत बनाओ, अपने काम ईमानदारी से और एम्प्लॉय को एम्प्लॉय की तरह आप रिस्पेक्ट दे दो। आप कोई भी बाहर से आपको गेस्ट आएंगे या कोई भी आपको मेहमान आएंगे उसको अच्छे से वेरीफाई करो, उनको विश करो, तब जाके कन्फर्म करके उनको छोड़ना है। समझ आए मेरी बात? किसी भी गेस्ट के साथ किसी भी एम्प्लॉय के अननेसेसरी किसी के साथ व्यवहार नहीं करना है। अगर आप लोगों ने वहाँ पर कुछ भी आप लोगों के साथ कुछ भी किया वहाँ पर कुछ भी किया, क्योंकि फाइव फिंगर्स आर नॉट सेम, लेकिन अगर आप लोगों ने भी गाली को गाली दिया वापस थप्पड़ को थप्पड़, फिर आप और उनमें कोई फर्क नहीं रहा, फिर किसी काम का आप लोग नहीं है। तो यही हमें सिखाता है हम डिस्प्लिन क्या होता है, समझे मेरी बात? आप पढ़ो, ठीक है ना, एक्ट पढ़ो, आप प्रैक्टिस सिक्योरिटी का आपके ऊपर कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, खास खास ख्याल रखो आप। और कुछ लड़के वो भी है जो भी यहाँ पे है नहीं, और उनके तरफ मेरे एक मैसेज है थ्रू सोशल मीडिया, जो भी अदर साइड पे हमारे लड़के हैं, जहाँ भी आप ड्यूटी है अच्छे से रहो, खुश रहो, ईमानदारी से काम करो। लेकिन अगर कहीं हमारे लड़के होटल लाइन में है या हॉस्टल लाइन में है या इंडस्ट्रियल लाइन में है या वट कहीं पर भी, आप जहाँ भी आप अपना काम ईमानदारी से करो, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करो आप, लेकिन साथ साथ स्टाफ के साथ जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कॉपरेट करो आप,
तब जाके आपका काम वहाँ पे होगा, आपका रोजी रोटी का मामला। अगर आपने स्टाफ के साथ एडमिनिस्ट्रेटर के साथ कॉपरेट नहीं किया, जो भी वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन वो फॉलो नहीं किया है, देन लास्ट पे क्या नतीजे होगा, आपको तो वहाँ पे क्विट करेंगे, वो निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये रोजगार का मामला होगा। एक मछली सारा तालाब को गंदा करते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। कल ऐसी भी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएंगे, देन उसी टाइम आई विल टेक एक्शन एक्शन, ठीक है। तो बैच में हमें ये नहीं बोलना है कि सर हमें ये पता नहीं है, और साथ साथ जो भी यहाँ पे हमारे सीनियर्स है, चाहे वो गार्ड हो या ऑफिसर, उनका फर्ज बनता है, जो भी नए कैंडिडेट आते हैं हमारे कंपनी में चाहे किसी भी साइड में, उसका ये फर्ज बनता है उस साइड के हिसाब से, साइड के मतलब उसको पहले कुछ जानकारी इसको दे दूँ, तब जाके वो ड्यूटी करेंगे वहाँ पे। उसको दिखाओ भाई यहाँ पे ड्यूटी कैसे करना है, कौन एम्प्लॉय क्या है, ठीक है, यहाँ पे कौन कौन आता है, किसी साथ कैसे ट्रेड करें, पहले उसको सिखाओ। वहाँ की गोल से कोई सीखे नहीं आता, हम भी नहीं आया, ठीक है ना, हमने भी सीखा, हमारी कोई इस्ता था। तो आप थोड़ा सा ज़्यादा, मैं आपके आपका टाइम नहीं ले लूँगा, ठीक है। तो ओके, अस्सलाम वालेकुम, बेस्ट ऑफ लक।